इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कल मैंने आपसे बात कर ली थी। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमने क्या क्या बात करी थी, इसका सिंबल आई होता है, इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करी थी कि इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, और वो होती है आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसके फॉर्मूले पे बात करी थी, आवेश प्रवाह की दर को ही जो है हम फॉर्मूले के रूप में लिख सकते हैं क्यू अपॉन टी। क्यू मतलब होता है आवेश, जिसको हम कूलॉम में नापते हैं, और टी मतलब होता है टाइम, जिसको हम सेकेंड में नापते हैं, है ना। तो हमने आई के फॉर्मूला आई बनाया था, आई का फॉर्मूला देखा था, विद्युत करंट विद्युत धारा का फॉर्मूला देखा था। इसके साथ साथ हमने देखा था कि इसकी जो इकाई होती है वो एम्पियर होती है। एम्पियर के साथ साथ हमने एक एम्पियर को परिभाषित भी किया था, और साथ साथ हमने ये भी देखा था कि अमीटर से जो है वो इसको नापा जाता है। अमीटर एक इक्विपमेंट का नाम है, अमीटर या ए मीटर दोनों ही बोल सकते हो आप, दोनों ही सेम चीज है, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, उससे फर्क नहीं पड़ता। बुक में एमीटर दिखेगा आपको, तो आप चाहो तो एमीटर पे प्रेफर कर सकते हो। एमीटर से क्या नापा जाता है, करंट को नापा जाता है, और करंट की डायरेक्शन जो है जस्ट इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन यदि इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे होंगे तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, है ना, हमेशा अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में होगी। इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाएंगे तो करंट किस डायरेक्शन अपोज करंट इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, तो करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। किस कारण से, पहले जो है वो माना गया था कि इलेक्ट्रो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो है वो करंट बोलते हैं, लेकिन बाद में डिफाइन जो है उसको आवेश के माध्यम से किया गया, और देखा गया कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में बहते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है हमेशा ही। इसके बारे में हमने कल बात कर ली थी, आज जो है वो हम बात करेंगे वोल्टेज के बारे में, है ना। करंट के बारे में सब चीजें देख लेते हैं हमने, आज जो चीज हमने करंट के बारे में देखी थी वही चीज जो है वो विभव के बारे में भी देखेंगे हम, कि विभव क्या होता है और विभवांतर क्या होता है, और इसको वोल्टेज नॉर्मली वोल्टेज क्यों बोलते थे, विभव और या फिर विभवांतर, विभवांतर, और इसको हम नॉर्मली वोल्टेज से क्यों शेड करते हैं, वोल्टेज क्यों बोलते हैं इसको, है ना, वोल्टेज क्यों बोलते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। 2 मिनट, एक मैसेज आ रहा है। तो विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, और ये वोल्टेज का क्या लेना देना है इससे, तो इसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को एक उदाहरण देने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको थोड़ा सा विभव को जो है वो इंग्लिश में पोटेंशियल बोलेंगे, और विभवांतर को बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। इसको बोलेंगे इंग्लिश में पोटेंशियल, और इसको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज तो वोल्टेज है ही, ठीक। उससे ये विभव समझें, उससे पहले जो है एक उदाहरण समझना पड़ेगा, जो कि विभव को समझाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको जो है वो बहुत अच्छे समझ में भी जाएगा कि बैटरी किस तरह से एक बल्ब को जलाने में मदद करती है। मान लीजिए ये कोई टंकी है, ये कोई टंकी है, और इसमें जो है वो पानी भरा हुआ है। कहाँ तक भरा हुआ है, फुल भरा हुआ है। ओ भाई, अच्छा मैंने इसको गलत तरीके से बनाया था, ऐसे बनाता हूँ। ये कोई टंकी है, इसमें जो है वो पानी भरा हुआ है पूरी तरह से, ठीक। हाँ तो काली कर दे तो बोलो भी, क्या करना चाह रहे हो, जल्दी करो, सॉरी कुछ गड़बड़ हो रहा है, समझ जाओगे मेरे ख्याल से। तो आउटलाइन आउटलाइन इसकी काली कर दे। ये कोई टंकी भरी हुई, अजीब सा ब्लॉक दिख रहा है, लेकिन मान जाओ यार, चलो ठीक है, इसको कलर कर देता हूँ मैं ऐसे ऐसे। ये कोई टंकी है, इसमें जो है वो क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, फुल्लम फुल्ला भरी हुई है ना। फुल्लम फुल्ला क्यों बोल रहा हूँ मैं, अरे अच्छा मतलब मजे आते हैं ना ऐसे टर्मिनोलॉजी यूज करने में। फुल भरी हुई है, और ये एक और टंकी है जो कि पूरी तरह से खाली है। अब क्या करा मैंने, यहाँ से जो है पाइपलाइन लगाया, यहाँ से पाइपलाइन लगाया, और क्या कह रहा है, यहाँ पर एक वॉल लगा दिया, यहाँ पर एक वॉल लगा दिया, है ना। अब होगा क्या, यहाँ से मैंने क्या कह रहा है, इसको कनेक्शन दे दिए, कहाँ से, यहाँ से। अभी वॉल बंद है, अभी वॉल बंद है, तो पानी जो है वो यहीं पर रुका हुआ है। ये टंकी पूरी भरी हुई है, ये टंकी पूरी खाली है। यदि मैं वॉल खोल देता हूँ, इस वॉल को ओपन कर देता हूँ, पानी यहाँ से यहाँ जाने लगेगा, इसको भी ओपन कर देता हूँ मैं, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से बंद है,
नहीं तो तुम बोलो कि यहाँ से चालू नहीं, पानी रुक जाएगा, ये खुला हुआ है, समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ? अब मुझे ये बताओ, यदि मैं ये वॉल्व खोल देता हूँ, ये वाला वॉल्व खोल देता हूँ यहाँ से, तो पानी इस टंकी से इस टंकी में जाने लगेगा? बताओ कब तक पानी जाएगा? पानी इस टंकी, अगर मैं वॉल्व खोल देता हूँ घुमाकर इसको, तो मुझे बताओ ये पानी यहाँ से कब तक जाएगा, क्या होगा बताओ? ये पानी इस टंकी से इस टंकी में जाएगा, 100% जाएगा, कब तक जाएगा? क्या ऐसा होगा ये वाली टंकी पूरी खाली हो जाएगी, ये पूरी भर जाएगी, या फिर क्या होगा भैया बताओ? दोनों टंकी आधी आधी होंगी, आधी आधी होंगी दोनों जी, टंकी। और कोई? और कोई? यस भैया, दोनों टंकी आधी आधी हो जाएंगी? किसको ऐसा लगता है कि ये वाली टंकी पूरी खाली हो जाएगी, ये वाली पूरी भर जाएगी? किसी को ऐसा लगता है? नहीं होगा, बिल्कुल अंशिका ने बिल्कुल सही बोला है। क्या होगा जब हम ये वॉल्व खोल देंगे, ये वॉल्व जब हम खोल देंगे तो क्या होगा, यहाँ से पानी यहाँ तक जाएगा, और कब कब रुक जाएगा वो? जब दोनों ही टंकी आधी आधी हो जाएंगी। मैं इसको थोड़ा सा रबर से क्लियर करके आपको समझा देता हूँ, कब तक जाता रहेगा ये पानी, जब तक कि दोनों टंकी आधी आधी ना हो जाए। पता नहीं कितने लोगों में से आप लोग, कितने लोग समझ पा रहे हो उस चीज़ों के, नहीं, लेकिन ऐसा होगा, ये पानी आधी 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 मात्रा में बराबर हो जाएगा, दोनों टंकी जो है वो पूरी नहीं होंगी, आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये पानी, और जब आधा आधा हो जाएगा फिर पानी का ट्रांसफर रुक जाएगा, फिर पानी इधर नहीं जाएगा। और यदि हम यहाँ से फिर टंकी को भरते हैं, यदि टंकी को भरते हैं तो दोनों ही टंकी, चूंकि वॉल्व खुला हुआ है, दोनों ही टंकी समान भराएंगी, सेम लेवल पर भराती जाएंगी, जितनी ये भराएगी जितनी ये भराती भराती जाएगी भराती। क्यों बता रहा हूँ ये वाला उदाहरण? ये उदाहरण इसलिए बता रहा हूँ, एक चीज यहाँ पर समझो, यहाँ पर आपने एक बैटरी लगाई, 9 वोल्ट की बैटरी, समझते हो ना, एक में 9 वोल्ट की बैटरी जो ब्लू और व्हाइट कलर की आती है, आप लोगों ने देखा होगा, उस पर एक प्लस लिखा रहता है, एक साइड माइनस लिखा रहता है। उस बैटरी के हम पॉजिटिव टर्मिनल से एक एक बल्ब लगा देते हैं, एक बल्ब लगा देते हैं, बल्ब में क्या होता है, बल्ब में जो है वो एक ऐसा तार जैसा होता है जो कि इसको जलने में मदद करता है ना, एक तार जैसा होता है वो, उसमें जलने में, जैसे ही हम इसको लगाते हैं, इस साइड माइनस होगा इस साइड प्लस होगा, जैसे ही हम इसको लगाते हैं तो करंट क्या होता है, करंट यहाँ से जाता है, करंट यहाँ से जाता है इस बल्ब के तार में से होकर जाता है, और फिर यहाँ से आते हुए वापस बैटरी में जाता है। अगर यहाँ बीच में से हम तार को कट कर दें, कहीं से भी काट दें, यहाँ से काट दें तो भी बल्ब नहीं जलेगा, अगर यहाँ से काट दें तो भी बल्ब नहीं जलेगा, यहाँ से काट, कहीं से भी अगर हम काट देते हैं तो बल्ब नहीं जलेगा। और इसी ट्रिक का यूज करके जो है वो बनाया गया स्विचेस। स्विच कैसे काम करता है, स्विच क्या करते हैं, हम बीच को तार में, इस परिपथ में कहीं पर भी, चाहे इस साइड हो चाहे इस साइड हो, किसी साइड भी परिपथ में एक ऐसा तार, ऐसा ऐसा ऐसी चीज लगा देते हैं, जब हम इसको टच कर देंगे तो बल्ब जलेगा, नहीं करेंगे टच तो बल्ब नहीं जलेगा, है ना। इस तरह से जो है वो एक स्विच काम करता है। स्विच की कल्पना बाद में करेंगे, अभी हम सोचते हैं ये बल्ब कैसे जल रहा है, और मैंने टंकी का उदाहरण क्यों दिया, वो जो भरी हुई टंकी उदाहरण दिया था ना, भरी हुई टंकी का, वो जो भरी हुई टंकी है ना, वो एक तरह से बैटरी है, जिसके पास क्या भरा हुआ है, जिसके पास वोल्टेज और करंट भरा हुआ है, जिसके पास वोल्टेज है, विभव है, और क्या है, करंट भी है ना। चलो ठीक है, मान लो करंट नहीं, करंट की बात नहीं करते, उसके बाद बोलते हैं उसके पास वोल्टेज है। कल मैंने आपको बताया था वोल्टेज बेसिकली क्या है, वो धक्का है जो इलेक्ट्रॉन को जो है वो धक्का देता है, एक इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है जिसके कारण से जंपिंग होने लगती है इलेक्ट्रॉन की, और इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो होने लगते हैं। तो वो स्टार्टिंग पे धक्का बोला था ना, कुछ कुछ ऊर्जा दे दो स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में एक कोई धक्का दे दो। आपको लड़कों का भी उदाहरण लेके समझाया था कि आप लोग जो है लाइन में खड़े हुए हो, पीछे वाला व्यक्ति जो है वो धक्का देगा तो एक के बाद एक जो है वो धक्का देना चालू हो जाएंगे, तो जो करंट, जो लाइन होगी वो कैसी हो जाएगी, धक्के के कारण से आगे बढ़ने लगेंगे, ये चारों लड़के जो है वो आगे बढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि इस बंदे ने धक्का दिया, ये थोड़ा सा ओझटे लेने वाला लड़का था, इसने धक्का दिया जिसके कारण से क्या हुआ, पूरी लाइन जो है वो आगे बढ़ने लगी, ये लोग लड़के जो है वो आगे जाने जाएंगे, तो ये आगे जाने लगेंगे ना, वो होगा इलेक्ट्रिक करंट। और वो धक्का जिसने दिया ना, जो स्टार्टिंग में फोर्स लगाया, जो बल स्टार्टिंग में लगाया गया किसके द्वारा, इसके द्वारा, वो फोर्स कहलाता है वोल्टेज, जो इलेक्ट्रॉन या फिर चार्जेस को बहने के लिए पहला बल प्रदान करता है।
उसी बल के कारण से ये चार्ज जो है वो आगे बढ़ते रहते हैं। और या फिर हम बोल सकते हैं करंट का उद्भव कैसे होता है, करंट को उत्पन्न कौन करता है, करंट किसके कारण से उत्पन्न हो पाता है, एक फोर्स के कारण से, और वो फोर्स कौन सा है, वोल्टेज, है ना। तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा यदि। तो यहाँ पर जो बैटरी है हमारी वो फुल टंकी के भांति है, जो कि वो धक्का लगाने के लिए तैयार बैठी हुई है, उसके पास पूरी मात्रा में वोल्टेज मौजूद है, फुल टंकी है वो, यहाँ पर उसके पास वोल्टेज मौजूद है, तो वो धक्का देने के लिए तैयार है, मतलब करंट फ्लो करवाने के लिए तैयार है, इसके पास फुल है। अब होगा क्या, इस ये जब यहाँ पर हम इसको कनेक्ट कर देंगे, जब इस तार को, पहले जो है मान लीजिए तार जुड़ा हुआ नहीं, पहले ये तार जुड़ा हुआ नहीं है, तो वोल्टेज टंकी में भरा हुआ है, ये टंकी वोल्टेज से भरी हुई है, ये खाली टंकी एक तरह से, बल्ब क्या है, खाली टंकी है। तो ये क्या करेंगे, जैसे ही हम इस तार को यहाँ पर लगाएंगे, मतलब हमने क्या कर दिया, इसको, इस वाली टंकी को इस वाली टंकी से कनेक्ट कर दिया। अब ये वाली टंकी के पास फुल वोल्टेज भरा हुआ है, इसके पास बेचारे के पास जीरो है, इसके पास कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा, वोल्टेज, वोल्टेज अपनी ऊर्जा कहाँ देने लगेगा, इस टंकी को देने लगेगा, वोल्टेज अपनी ऊर्जा इस टंकी को देने लगेगा। कब तक दे पाएगा, जब तक कि दोनों ही वोल्टेज आधे आधे ना हो पाए, दोनों के पास जो है वो पानी आधा आधा ना हो पाए। जैसे मान लीजिए इसके पास 20 वोल्ट है, 20 वोल्ट का इसके पास विभव मौजूद है, 20 वोल्ट का जो है एनर्जी मौजूद है, इसके पास जो है वो इसको कब तक दे सकता है, 10 वोल्ट तक दे सकता है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, या फिर मैं थोड़ा सा यहाँ पर गलत बोल रहा हूँ, लेकिन समझाने के लिए बोल रहा हूँ, आगे चल के मैं जो है वो तुमको क्लियर कर दूंगा इस बात को, है ना। इसके पास जैसे मान लीजिए 20 की क्षमता है, तो ये क्या करेगा, 10 इसको दे देगा और 10 खुद के पास रखेगा, तब तक ही दे पाएगा, मतलब बराबर बराबर हो जाएगा, तब तक ही चलता रहेगा। और जैसे ये बराबर होगा, ये इसको देना बंद कर देगा, है ना। अब होता क्या है, रियलिटी में क्या होता है, देखो रियलिटी में क्या होता है, इसने क्या करा, जो इसके पास वोल्टेज है वो इसको देना शुरू किया, इस बल्ब को। ये बल्ब क्या था, इस बल्ब की संरचना समझते हो, कैसे चलता है, बल्ब काम कैसे करता है, थोड़ा सा एक बल्ब के बारे में समझा देता हूँ, फिर उसके बाद जो है तुमको फिर से वापस ले आऊंगा, क्योंकि समझना जरूरी है बल्ब कैसे काम करता है। बल्ब का नीचे का बेस कुछ इस तरह से दिखाई देता है, और जो है बल्ब इस तरह से ऐसा बनता है, और यहाँ पर आप देखोगे तो कांच की एक स्टिक लगी रहती है, और उस कांच की स्टिक पर जो है एक तार लगा हुआ रहता है ऐसा। मैं ऑरेंज वाले बल्ब की बात कर रहा हूँ, CFL की बात नहीं कर रहा हूँ, CFL थोड़ा सा टिपिकल है समझाने के लिए। होता क्या है, इस बल्ब में जब भी करंट यहाँ से दिया, यहाँ पर नीचे देखोगे आप दो टर्मिनल दिखेंगे बल्ब के, है ना। जब हम एक एक को करंट देते हैं, तो करंट कहाँ होता है, करंट जाता है इस जुड़ा हुआ रहता है पूरा, इससे होते हुए जाता है, और ये जो विशेष प्रकार का तार, ये तार होता है ना, एक विशेष प्रकार का तार होता है। कैसा तार होता है, इसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है। प्रतिरोध क्या होता है अपन पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। प्रतिरोध ज्यादा होता है ना, तो क्या करता है, जब भी विद्युत धारा इसमें से निकलती है, इसमें से बहती है, तो ये क्या होता है, गर्म होकर लाल हो जाता है। हीटर की कॉइल देखिए, हीटर की कॉइल, हीटर जलते होंगे यदि घर में, तो उसमें क्या होता है, हीटर में से कॉइल में से जैसे ही करंट बहता है, तो वो करंट जो कॉइल होती है वो जलकर लाल होने लगती है। वैसे ही ये तार भी रहता है, ये तार क्या होता है, जलकर लाल होने लगता है। लाल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, लाल होगा तो ऊष्मा उत्सर्जित करने लगेगा। अब आगे का काम करती है इस बल्ब में भरी हुई गैस, इस बल्ब में जो है इस पर विशेष प्रकार की गैस भरी जाती है। नॉर्मली जो है वो पहले तो ऑर्गन गैस भरी जाती थी, अब जो है वो चेंज भी हो सकती है, अक्रिय गैसेस भरते हैं। दो मिनट बता दूंगा। यहाँ पर देखो बल्ब कैसे काम कर रहा है वो समझा रहा था मैं। यहाँ से करंट जाता है, करंट जो है इस कॉइल में से जाता है, इसमें गैस भरी रहती है, अक्रिय गैस होती है, और जो ऊष्मा उत्पन्न करती है ना ये कॉइल, ये ऊष्मा जो कॉइल, ये वाली ऊष्मा उत्पन्न करती है कॉइल, जो मतलब लाल होने लगती है, और यहाँ पर जो गैस भरी रहती है वो गैस क्या करती है, ये उत्पन्न हुई ऊष्मा को और अधिक चमकीला कर देती है, जिसके कारण से जो है वो बल्ब ग्लो करने लगता है। यदि ये गैस यहाँ पर नहीं होगी, ये गैस यहाँ पर नहीं होगी, तो जितनी कॉइल जब जलेगी ना, बहुत कम रोशनी उत्पन्न कर पाएगी ये कॉइल, बहुत कम। लेकिन ये जो गैस भरी रहती है, उस ऊष्मा को जो रोशनी उत्पन्न हुई उसको बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, जिससे जो है वो हमें बल्ब से रोशनी मिलने लगती है, है ना। ये कॉइल वाले बल्ब की बात करी मैंने। तो यहाँ पर क्या हो रहा होता है, यहाँ पर हम जो विद्युत दे रहे हैं, करंट दे रहे हैं, वो इस कॉइल में से जाता है, कॉइल जलती है, उसको ऊष्मा में चेंज कर देती है, किसको, करंट को। और फिर उसके बाद जो है एक तार और जाता है जो न्यूट्रल में रहता है, जिससे कनेक्शन जो है वो कंप्लीट होता है। एक पॉजिटिव तार होता है, जिसको हम फेस मेन्स का तार बोलते हैं, या फेस वायर बोलते हैं, या फिर धनावेश तार भी बोल सकते हैं, है ना। और जो दूसरा तार होता है उसको न्यूट्रल का तार बोलते हैं। आपने न्यूट्रल टर्म सुनी होगी, कई बार टर्म यूज होती है जब घरों की वायरिंग की जाती है, न्यूट्रल अच्छा है कि नहीं, न्यूट्रल से कनेक्ट है कि नहीं। और ये वाला जो तार होता है इसको मेंस का तार बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि बल्ब कैसे जलता था, बल्ब कैसे काम करता था, विद्युत धारा
भेजी, यहाँ पर जो तार लगा हुआ है वो जलेगा, ऊष्मा उत्पन्न करेगा, इसमें भरी हुई गैस उस ऊष्मा को और अधिक बढ़ा देगी, जिसके कारण से हमें जो है वो बल्ब जलता हुआ महसूस होगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर फिर से आ जाते हैं अपन ये वाली चीज पर, ये क्यों समझा रहा था मैं, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इसने ये भरी हुई टंकी ने इसको पानी भेजना चालू करा खाली टंकी को। तो यहाँ पर जब खाली टंकी को पानी भेजना चालू करा तो करंट, मतलब बेसिकली इन्होंने क्या भेजा, करंट के फॉर्म में वो पानी भेजा, करंट गया, करंट यहाँ पर गया और इस बल्ब ने क्या करा, उस जो करंट इसने दिया था, इस फुल वाली टंकी ने जो इसको दिया था, इसने स्टोर नहीं करा उसको, इसने यहाँ पर भर के नहीं रखा, यहाँ पर टंकी नहीं है वो, इसने क्या करा, जो करंट इसके अंदर आया था उसको काय के रूप में निकाल दिया, ऊष्मा के रूप में एवेपोरेट कर दिया, ऊष्मा के रूप में निकाल दिया, मतलब इसके पास जो पानी आ रहा था उस पानी का इसने नल खोल के यूज करता रहा लगातार, यहाँ पर जो है वो इसने क्या करा, नल खोलकर उसका यूज करता रहा लगातार। तो क्या कभी जब जब नल खुला होगा इस टंकी का नल खुला होगा, जैसे ऊपर वाला केस मैंने जो समझाया था, यहाँ पर से आ रहा था आधा भर गया था, यहाँ पर क्या करा इसने, यहाँ पर नल लगा दिया, यहाँ पर एक नल लगा दिया, मान लो यहाँ पर नल लगा दिया और उसको खोल दिया, यहाँ से पानी आता रहेगा, तो ये बेचारी टंकी इसको देते आएगी पानी, ये सोच रही है कि टंकी भरेगी भरेगी अब भरेगी तब भरेगी, लेकिन इसने तो नल लगा के रखा है, तो पूरा के पूरा पानी जाता जाएगा और इसका एक टाइम ऐसा आएगा कि ये दोनों ही टंकी, ये वाली टंकी खाली हो जाएगी और ये वाली भी टंकी खाली हो जाएगी, पानी पूरा के पूरा निकल जाएगा, है ना। वैसे यहाँ पर होगा, ये बेचारी बैटरी तो इसको वोल्टेज देती जा रही है, ये बेचारी बैटरी इसको ऊर्जा देती जा रही है, पानी देती जा रही है, किसके फॉर्म में, करंट के फॉर्म में देती जा रही है, ये सोच रही है कि ये भरेगा अब भरेगा अब भरेगा, लेकिन ये बल्ब ज्यादा होशियार है, इसने क्या करा, जो करंट इसको मिला था वो कॉइल जो है वो जला दी और ऊष्मा के रूप में उसको एनर्जी को क्या कर दिया, लॉस्ट करता रहा लगातार। तो बेचारा ये भेज रहा है लेकिन ये सोच रहा है कि अब भरेगा तब भरेगा, लेकिन वो भरता ही नहीं है, वो जो है ऊष्मा के रूप में उसको निकालते आता है। इसी कारण से ये बैटरी जो है वो एक ऊर्जा के, ये वोल्टेज शो करती है ना, ये ऊर्जा के स्टोरेज के रूप में, मतलब एनर्जी इसमें क्या रहती है, स्टोर रहती है, ये एनर्जी को स्टोर करके रखती है और ये क्या करती है, करंट देती जाती है, जिस चीज में यूज होता है वो करंट, वो इस ऊर्जा को जो स्टोर की हुई ऊर्जा है उसको जो है वो अपने फॉर्म में यूज कर लेता है। जैसे यहाँ पर बल्ब लिया, बल्ब ने इसको ऊष्मा के फॉर्म में रिलीज कर दिया, स्टोर यूज कर लिया, उस ऊर्जा को हमने काय के फॉर्म में यूज कर लिया, ऊर्जा के रूप में यूज कर लिया, किसके कारण से, बल्ब जलेगा तो हम चीजें देख पाएंगे, है ना। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, वोल्टेज स्टोरेज की तरह यहाँ पर काम कर रहा है, टंकी की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो है आप बात करते हैं, यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, यदि ये जो कनेक्शन होगा ना ये कॉपर के तार का होगा, ये कनेक्शन कॉपर के तार का होगा और जाहिर सी बात है इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, है ना। तो देखो अब मैं जब बोल रहा हूँ आवेशों का प्रवाह जो होगा इस बैटरी के कारण से, बैटरी की कार्यविधि जहां तक है 10th क्लास में नहीं है, बैटरी की कार्यविधि जो है वो 12th क्लास में आती है, लेकिन मैं आपको थोड़ी बेसिक शुष्क सेल के बारे में बताऊंगा, है ना, वो कैसे काम करता है, लेकिन वो और ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। अभी केवल आप इतना ही समझो कि ये बैटरी कैसे काम कर रही है, ये बैटरी जो है वो आवेशों का प्रवाह इसके धन आवेश से शुरू हो रहा है और यहाँ तक ऐसे जा रहे हैं, धन आवेश से शुरू होकर जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसी कारण से करंट की डायरेक्शन भी क्या है, सेम, आवेश कहाँ से जा रहे हैं, आवेश इधर से ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहा है, इसी कारण से करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में, अपर डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ना, आवेश इधर से जा रहा है। आप देखना यहां से आवेश गए यानी कि करंट गया, इस कॉइल में से होकर आया और यहां सर जो है यहां पर आना जरूरी है, इसको कनेक्शन होना जरूरी है, वापस आना जरूरी है उन आवेशों का, या फिर हम ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो होंगे, करंट की अपोजिट डायरेक्शन में, करंट कैसे जा रहा है ऐसा और आवेश भी कैसे जा रहे हैं ऐसे ही, लेकिन इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में जाएंगे, इस डायरेक्शन में, हमेशा इसी डायरेक्शन में जाएंगे हमेशा, तय है, है ना। यदि बीच में से ये पाथ ब्रोक हो जाता है, यदि बीच में से ये पाथ ब्रोक हो जाता है, ये पाथ कहीं से टूट गया, मान लो तार टूट गया बीच में से, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन इसके आगे जा पाएंगे, हवा में तैरते हुए जा पाएंगे क्या, नहीं, इनको जो है वो कनेक्शन चाहिए। अगर ये किबाकायदा टूट जाता है तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है इधर से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, या फिर हम बोल सकते हैं चार्ज जो यहाँ से होते हुए आ रहे थे वो वापस नहीं आ पाएंगे बैटरी में, और परिपथ कंप्लीट नहीं होगा, सर्किट पूरा नहीं होगा, परिपथ को इंग्लिश में बोलते हैं सर्किट, CIRCUIT, सर्किट, सर्किट पूरा नहीं होगा, सर्किट पूरा नहीं होगा तो ये बल्ब जो है वो जलना बंद कर देगा, क्यों, क्योंकि करंट जो है वो उसका पाथ कंप्लीट नहीं होगा, उसका पाथ कंप्लीट नहीं होगा और ये बल्ब जो है वो जलना बंद हो जाएगा, है ना। एक यहां पर एक छोटी सी चीज शेयर करूंगा, कुछ दिनों पहले
इसको आप यहाँ से जो मैंने पानी का उदाहरण लिया ना, उसके पीछे भी एक रीजन है लेने का। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने एक बात कही है ना, राजस्थान के मुख्य, यहाँ पर लेना देना है इसलिए बता रहा हूँ, श्री अशोक गहलोत जी हैं अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री, उन्होंने एक बात कही। उन्होंने क्या बात कही, उन्होंने बोला कि किसानों के लिए जो है वो नहर बनाने का काम चल रहा था, किसानों के लिए नहर बनाने का, नहर समझते हो ना, नहर जो है वो खेतों में से जाती है, पतली थोड़ी सी बड़ी सी नाली जैसी होती है, पानी जा रहा होता है और बीच बीच में जिसको अपने खेत के लिए जरूरत होती है वो क्या करते हैं, पाइप के माध्यम से इससे पानी लेते आते हैं और अपना खेत जो है वो करते जाते हैं। तो ये नहरों में पानी, ये नहरें जो है बहुत लंबी लंबी भी हो सकती हैं, बहुत कई किलोमीटर तक फैली रहती हैं, बहुत गाँवों गाँवों से निकलती हैं और लोग बाग अपने हिसाब से इसका यूज कर रहे होते हैं, है ना। तो अशोक गहलोत जी ने क्या बोला, जो बड़े बड़े बांध होते हैं, बड़े बड़े बांध होते हैं जो बंधे रहते हैं, जिस पर गेट वगैरह बंधे रहते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, किसी ना किसी ने तो बांध देखा ही होगा, कहीं कहीं ना कहीं का बांध देखा होगा, उसमें जो है वो पानी स्टोर करके रखते हैं और बिजली बनाई जाती है। तो उन्होंने एक बात बोली, ये जो बड़े बड़े बांध होते हैं ना, वो बांध क्या करते हैं, पानी का करंट निकाल लेते हैं, पानी का करंट निकाल लेते हैं, और जिसके कारण से पानी जो है वो हमारे नहरों तक नहीं पहुंच पाता है। इनके अपोजिशन वालों ने क्या बोला, अपोजिशन वालों ने, पागल हो गए क्या, थोड़े से ये एजेड एजेड है ना, बोल, कई लोगों ने तो बहुत बुरा बुरा भी बोला, बोले बुढ़ा पागल हो गया है क्या, पानी में से करंट कोई निकाल सकता है क्या, बोले पानी में से जो है वो करंट निकाल लेंगे तो जो है वो हमारे किसानों को खेतों के लिए पानी नहीं मिल पाता। तो उन लोगों ने एक बात पकड़ ली कि ये क्या बोल रहा है, पानी में से करंट निकाल लेंगे, पानी में से करंट कोई निकाल सकता है क्या। यहाँ पर एक बात मैं शेयर करना चाहूंगा, उन लोगों के चक्कर में मत पड़ा करो, ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है और बोलता है तो सोच समझ के बोलेगा। पानी का करंट बोलते हैं पानी की धारा को, धारा समझते हो, जब पानी बह रहा होता है स्पीड से उसको बोलते हैं करंट, है ना, उसको वो करंट ही कहलाता है। और इस करंट की वो बात कर रहे थे, जो डैम होते हैं वो क्या करते हैं, पानी जब रोक लेते हैं, जब पानी रुक जाता है तो ये पानी का प्रवाह यहाँ पर कम हो जाता है, डैम अपने हिसाब से मैनेज करते हैं वो लोग, गेट कितना खोलना है कब खोलना है वो इस पर डिपेंड करता है पानी कितनी मात्रा में भरा हुआ है, उसी हिसाब से जो है वो बिजली बनती है। तो इन्होंने इसी के लिए बोला था कि अगर डैम बन जाते हैं तो पानी बहुत कम मात्रा में छोड़ा जाता है, जिसके कारण से जो लंबी लंबी नहरें होती है ना उसके आखिरी तक जो है वो पानी पहुंच ही नहीं पाता है। क्यों नहीं पहुंच पाता, क्योंकि उसमें प्रवाह ही नहीं है, करंट ही नहीं है, करंट नहीं है मतलब बहने के लिए क्षमता ही नहीं है, उतने तेज धारा ही नहीं है, धारा नहीं, धारा बेसिकली हिंदी में करंट को बोलेंगे धारा, है ना, वो धारा ही नहीं है, तो वो लास्ट तक कैसे पहुंच पाएगी, वो जो है वो यहीं पर रुक जाएगी, यहीं पर रुक जाएगी, किस कारण से, डैम होने के कारण से। उन्होंने यहाँ पर बोला था कि पानी से करंट निकाल लेते हैं डैम, इसका मतलब ये नहीं है, कई अनपढ़ लोगों ने ये बोला कि जो है वो ये डैम क्या करते हैं, डैम पानी में से करंट निकाल लेते हैं, मतलब बिजली बनाने के लिए करंट निकाल लेते हैं और पानी जो है वो छोड़ देते हैं, जिस कारण से, यहाँ कोई लॉजिक ही नहीं है। उनका बोलना बिल्कुल सही था, उन्होंने बोला था कि डैम जो है वो करंट कम कर देते हैं, मतलब अपने हिसाब से गेट खोलते हैं, जिसके कारण से धारा का प्रवाह नहीं होता उतना, पानी का प्रवाह नहीं होता, जिसके कारण से नहरों में पानी आखिरी कोने तक नहीं पहुंच पाता है ना। तो यहाँ पर जो धारा होती है, धारा मतलब क्या, पानी का प्रवाह, उसको भी धारा बोलते हैं। और यहाँ पर जो ये जिस करंट की मैं बात कर रहा हूँ या हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, वो विद्युत धारा है, वो विद्युत धारा है ना, वो इलेक्ट्रिक करंट है। और यहाँ पर इसका उदाहरण टंकी वाले उदाहरण से बिल्कुल बहुत अच्छे से मैच करता है। यहाँ पर क्या है, टंकी भरी हुई है ना, वही बात बोल रहा हूँ, धारा जो है वो यहाँ से बह रही, कौन सी धारा, पानी की धारा नहीं है, लेकिन यहाँ पर है ना, पानी की धारा कहाँ पर थी, यहाँ पर, उदाहरण लिया था मैंने आपको समझाने के लिए, यहाँ पर कौन सी धारा है, विद्युत धारा, विद्युत धारा जो है वो बैटरी के एक बैटरी से जो है वो निकल रही है और बल्ब तक जा रही है, बल्ब उस विद्युत धारा क्या कर रहा है, वो विद्युत धारा को ऊष्मा में चेंज कर दे रहा है, ऊष्मा में परिवर्तित कर रहा है, जिसके कारण से क्या हो रहा है, ये जो विद्युत धारा है लगातार यूज करता रहेगा। जैसे इसके पास यदि मान लीजिए 20 वोल्ट की धारा है, तो ये जो है वो लगातार इसका यूज करता रहेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि इसके पास फोर्स ही नहीं बचेगा उन इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देने के लिए, या फिर उन आवेश को प्रवाह करने के लिए फोर्स ही नहीं बचेगा। जब फोर्स नहीं कर पाएगा उन आवेश को बहने के लिए, तो क्या होता जाएगा, धीरे धीरे, पहले तो बल्ब की रोशनी कम होगी, जो जो उजाला कर रहा होगा वो जो है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब इसके पास केवल 20 वोल्ट के अलावा इसके पास केवल 7-8 वोल्ट बचेगा, 7 या 8 8 वोल्ट बचेगा जब इसके पास, तो क्या होगा, ये आवेश को प्रवाह ही नहीं कर पाएगा, बेचारा धक्का दे रहा होगा लेकिन उसके पास दम ही नहीं होगा, दम ही नहीं होगी तो वो आवेश फ्लो ही नहीं हो पाएंगे और बल्ब तक पहुंचेंगे नहीं, बल्ब तक नहीं पहुंचेंगे तो बल्ब जो है वो जलना बंद कर देगा और वो नहीं जलेगा, है ना। तो बेसिकली मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, वोल्टेज जो है वो एक तरह का धक्का है, फोर्स है, जो किसको दे रहा है, आवेश को दे रहा है फोर्स, वो आवेश फ्लो होते हैं जिसके कारण से क्या उत्पन्न होती है,
धारा उत्पन्न होती है, या बोले तो एग्जैक्टली बोले तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है। और ये मैंने आपको थोड़ा सा टंकी का उदाहरण देके समझाया कि विभव क्या होता है। अब थोड़ा सा टेक्निकल बात करेंगे अपन अगले पोर्शन में कि विद्युत विभवांतर होता है, ये मैंने प्रैक्टिकली बताया आपको, थोड़ा सा लॉजिकली बताया। कुछ चीजें इसमें मैं जो है वो समझाने के लिए केवल बताई थी, उसका लॉजिकली केवल समझाने के लिए था कि इस चीज को समझ इस नजरिए से देखोगे आप तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसा कि शिवानी ने क्वेश्चन भी पूछा कि अगर बैटरी के पास 20 वोल्ट है और उसको 10 वोल्ट दे देगा तो वो उसके पास 10 वोल्ट अभी भी बचा हुआ है, 5 वोल्ट दे दे। लेकिन वहां पर शिवानी ये वाला आपको ये चीज याद रखना चाहिए, इस बल्ब की कैपेसिटी है, ये जो बल्ब की कॉइल है ना, अगर इसको ज्यादा वोल्ट नहीं मिलेगा, इस बल्ब की काम करने की कुछ क्षमता है, अगर इसको ये बल्ब जो काम हर एक बैटरी बल्ब की जो है वो अलग अलग क्षमता है। कुछ बल्ब जो है वो 5 वोल्ट पे काम कर सकते हैं, कुछ जो है वो 9 वोल्ट पे काम कर सकते हैं, कुछ 12 वोल्ट पे कर सकते हैं, कुछ 220 वोल्ट पे कर सकते हैं। अलग अलग बल्ब की अलग अलग क्षमता है। तो यदि इस बल्ब की मान लीजिए बल्ब की इस बल्ब जो हमने बल्ब ही लिया था उस बल्ब की क्षमता, वो बल्ब जो है वो 12 वोल्ट तक काम कर रहा है, तो जो हमने बैटरी लगाई है वो यदि 20 वोल्ट की है, 20 वोल्ट की है, तो ये लगातार देती रहेगी, ये ऊष्मा का यूज करता रहेगा। यदि इस बैटरी का मान 12 से कम होगा, 12 वोल्ट से जैसे ही कम होगा, तो क्या हो जाएगा, इसकी जो लाइट उत्पन्न करने की क्षमता होगी वो धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी, कम होती जाएगी। और जैसे ही ये 10 या 9 या 10 वोल्ट पे पहुंचेगा, 9 या 10 वोल्ट पे पहुंचेगा, किसका मान, बैटरी का, इस बैटरी का मान 9 या 10 वोल्ट पे पहुंचेगा, क्योंकि ये लगातार ऊर्जा देते जा रहा है इसको। जैसे ही 9 10 पे पहुंचेगा ये बल्ब जो है वो जलना बंद कर देगा, है ना। और जब जलना बंद कर देगा तो फिर तो एक तरह से जो है वो उसमें पानी जा ही नहीं पा रहा, पानी में इतनी फोर्स ही नहीं है, पानी इस टंकी से इस टंकी में जा ही नहीं पा रहा है, उसमें दम ही नहीं बची हुई है ना, इसके कारण से वो बल्ब नहीं जलेगा। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा आपको आपका डाउट। तो अब जो है हम टेक्निकल बात करते हैं, उसके लिए आपको एक बार फिर से जुड़ना पड़ेगा, तो एक बार फिर से ज्वाइन कर लीजिए ताकि हम जो है उसके बारे में टेक्निकली बात कर लें। किसके बारे में, वोल्टेज के बारे में।